गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। यस सर, आ रही है। तो हम आगे पढ़ना चालू करते हैं, है ना? कल कोई क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सेक्शन जी तक जो अपने डिस्कशन किया उसमें कोई डाउट तो नहीं था ना किसी को? चलो ठीक है, तो फिर हम आगे पढ़ना चालू करते हैं, है ना? तो थ्योरी हम आगे बढ़ाते हैं अब। तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन के बारे में देखा था, ठीक है? लास्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। सॉल्यूशन के बारे में हमने देखा था, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमने देखी थी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू सब्सटेंसेस का, है ना? इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है? सॉल्यूट होता है माइनर कंपोनेंट, और सॉल्वेंट होता है मेजर कंपोनेंट, है ना, जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, ठीक है? तो अच्छा, इसमें किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, कि सॉल्यूट मेजर होता है कि माइनर होता है और सॉल्वेंट मेजर होता है कि माइनर होता है। इसको अपन कैसे याद कर रख सकते हैं? इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, अगर कोई चाहे तो इस पॉइंट को इस तरह से याद रख सकता है। अगर किसी को वैसे याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में जो पहले तीन अल्फाबेट्स है वो तो सेम है, SOL SOL, है ना? सॉल्यूट में U आ रहा है और सॉल्वेंट में V आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपन देखें तो U पहले आता है ना, और V बाद में आता है, UVWXYZ, है ना? तो U पहले आता है, V बाद में आता है। तो V बाद में आता है, इसका मतलब V के सामने ग्रेटर देन का साइन ओपन होगा, है ना? तो इसका मतलब V बड़ा है तो V मेजर होगा, है ना? और U क्या होगा? माइनर, ठीक है? इसका मतलब सॉल्वेंट हमेशा मेजर होगा और सॉल्यूट हमेशा माइनर होगा। ये मैंने इसलिए बता दिया, वैसे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को याद रहता है सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। जिसको कंफ्यूजन हो याद रखने में वो इस तरह से याद रख सकता है ना, इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? तो ये ट्रिक लिख लेना चाहो तो। बाकी फिर अपन ने एग्जांपल देखा था कि एक लीटर वाटर में अगर अपन कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिलाएंगे, है ना, एक लीटर वाटर में अगर हमने कुछ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया तो सॉल्ट जो है वो माइनर क्वांटिटी में था, सॉल्ट माइनर क्वांटिटी में था, तो सॉल्ट था सॉल्यूट और वाटर था क्या? सॉल्वेंट। वाटर था सॉल्वेंट और इन दोनों का मिक्सचर है वो था सोल्यूशन, ठीक है? तो इतना हमने देखा था पिछली क्लास में। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। गुड इवनिंग सोमिल, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को, है ना? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है, हाँ हाँ अंकुर, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लीव हो लो और बाद में ऐड हो जाना। तो देखो, अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। सर एक बार फिर से बता देंगे, मैं लेट हूँ इसमें। ये सोमिल अभी तक कुछ नहीं, अपन ने बस पिछला वाला जो पिछली क्लास थी, लास्ट क्लास, संकेत अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो, लास्ट क्लास जो थी उसी को हमने रिवाइज किया है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट माइनर कंपोनेंट होता है, सॉल्वेंट मेजर कंपोनेंट होता है। ये सब अपन ने लिखा था पिछली क्लास में, है ना? एक लीटर पानी में अगर कुछ नमक अपन मिला है तो नमक क्योंकि कम क्वांटिटी में है, माइनर क्वांटिटी में, नमक सॉल्यूट हो जाएगा और पानी मेजर क्वांटिटी में होने के कारण सॉल्वेंट हो जाएगा। दोनों मिलके बनाएंगे क्या? सॉल्यूशन, है ना? बाकी बस एक ये ट्रिक बताई थी याद रखने की, कि जैसे कोई अगर कंफ्यूज होता है कि सॉल्यूट माइनर क्वांटिटी में होता है कि मेजर क्वांटिटी में होता है, कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे हैं लगभग, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उसके लिए मैंने ये बताया था कि पहले तीन अल्फाबेट्स तो सेम है, चौथा जो अल्फाबेट है यू और यहाँ पर है वी, तो क्योंकि वी यू के बाद आता है तो इसका मतलब वी में अपन ग्रेटर देन का साइन इस तरह से लिखेंगे जो वी की तरफ ओपन होगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी बड़ा है तो वी मेजर, इसका मतलब सॉल्वेंट मेजर कंपोनेंट, ठीक है?
और संकेत कह रहा है कि सर पिछली क्लास में तो डिस्कस किया था ना ये, क्या अब कब किया, डिस्कस किया था ना ये कब पढ़ाया था, पिछले के पिछली क्लास में, पिछले के पिछली क्लास में सॉल्यूशंस पढ़ाया था थ्योरी में। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज अपन पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, आगे पढ़ेंगे मतलब थ्योरी को। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जरूरत क्यों है ना। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आप बात कर रहे हो कि जब भी आप सॉल्यूशन की बात करते हो, सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, है ना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जब अपन मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें रेशियो की बात आ जाती है कि दो सब्सटेंसेस जिनको आप मिक्स कर रहे हो उनको किस रेशियो में मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो अगर जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा है सॉल्यूट की तुलना में, है ना, जैसे अगर बहुत थोड़े से नमक में बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, है ना। ये डाइल्यूटेड वर्ड यूज किया होगा अपन ने छोटी क्लासेस में भी, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें पानी बहुत ज्यादा है, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें पानी तो है लेकिन सॉल्यूट भी इसमें ठीक ठाक क्वांटिटी में है ना। तो जब भी अपन दो सब्सटेंसेस को मिक्स करने की बात करते हैं तो फिर हम इस तरह से डाइल्यूटेड या कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का यूज करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जो हमें न्यूमेरिकली बताते हैं कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्वेंट में, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। दे गिव क्वांटिटेटिव, एक सेकेंड, अंकुर को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, तुम लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, बाकी सबको? यस सर अब क्लियर है। हाँ हाँ ठीक है। तो दे गिव क्वांटिटेटिव एस्टीमेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं ये बेसिकली क्या बताते हैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, है ना। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी बताना, है ना, और एस्टिमेशन का हेल्प का मतलब क्या होता है कि पता करना, एस्टिमेट करना। तो देखिए क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, तो जैसे अगर अपन ने 1 लीटर वाटर में 10 ग्राम सॉल्यूट मिलाया, है ना, ये बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। 1 लीटर वाटर में अगर अपन ने 10 ग्राम सॉल्यूट मिलाया तो जो सॉल्यूशन जनरेट हुआ उसको हम बोल सकते हैं कि वो द सॉल्यूशन इज 10 ग्राम पर लीटर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्वेंट में 10 ग्राम सॉल्यूट होगा, है ना। वहीं अगर अपन ने किसी दूसरे केस में 1 लीटर में 100 ग्राम सॉल्यूट मिलाया होता तो सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो आ जाती 100 ग्राम पर लीटर, है ना। तो अब ये एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया, है ना। ये क्या बता रहा है अपन को, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन बता रहा है सॉल्यूशन के बारे में। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे, कि ये वैल्यू बता रही है 1 लीटर में 10 ग्राम सॉल्यूट है, ये वैल्यू बता रही है 1 लीटर में 100 ग्राम सॉल्यूट है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है वो नीचे वाले सॉल्यूशन की तुलना में ज्यादा डाइल्यूटेड है, क्योंकि ऊपर वाले सॉल्यूशन में आप देख सकते हो पानी ज्यादा मिला हुआ है, नमक कम है, ठीक है। और क्योंकि अपन ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये अपन नंबर की टर्म से बता पा रहे हैं,
10 ग्राम पर लीटर पर लीटर 100 ग्राम पर लीटर, तो नंबर का मतलब क्या होता है क्वांटिटी। तो इसका मतलब हम जब भी वैल्यूज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को, तो हम क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट कर रहे हैं सोल्यूशन को, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की हेल्प से हम सोल्यूट का सॉल्वेंट में एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर पाते हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तुम लोग ने 9th 10th क्लास में पढ़े हैं, 9th या 10th क्लास में पढ़े होंगे अगर किसी को याद हो तो, एक तो था परसेंटेज वेट बाय वेट, याद है परसेंटेज वेट बाय वेट, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, म्यूट कर लो भाई अपने माइक्रोफोन्स, इनटू 100, है ना। हाँ सोमिल, दो मिनट में तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म था, ये शायद आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। 9th में आता है कि 10th में, किसी को याद है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा। हाँ 9th में आता है ना, तो 9th क्लास में ये पढ़ा होगा आपने। तो ये पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हम पढ़ते हैं। तो इसका क्या मतलब है, किसी सोल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट, उसका परसेंटेज वेट बाय वेट का ये मतलब होता है कि सॉल्यूट का वेट आप लोगे न्यूमरेटर में, पूरे सोल्यूशन का वेट लोगे डिनोमिनेटर में, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 100 से क्यों, क्योंकि परसेंट, परसेंट का मतलब होता है पर सेंचुरी मतलब पर 100, है ना। तो इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो परसेंट, किसी सोल्यूशन के परसेंटेज वेट बाय वेट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, हम कहेंगे कि उस सोल्यूशन में सोल्यूट उतना ज्यादा है, है ना। तो जैसे अगर किसी सोल्यूशन पे लिखा हुआ है 50% वेट बाय वेट NaCl सोल्यूशन, है ना, 50% वेट बाय वेट NaCl का सोल्यूशन है, इसका क्या मतलब होगा। इस फ्रेज का ये मतलब होता है कि हर 100 ग्राम सोल्यूशन में 50 ग्राम क्या है, NaCl है, है ना। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि देयर इज, इसको मैं टाइप करके लिख देता हूं, देयर विल बी 50 ग्राम NaCl इन एवरी 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना। 50% वेट बाय वेट का यही मतलब होगा। तो सीधी सी बात यह है कि टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें से 50 ग्राम तो NaCl चला गया, तो बाकी का बचा हुआ जो वाटर है उसका मास कितना आएगा, 100 में से 50 माइनस कर दो, है ना। तो 50 ग्राम क्या होगा, वाटर।